प्यारे विद्यार्थियों, RCI एजु हब ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर व्याकरण से संबंधित कुछ टॉपिकों को पढ़ा था। आज हम व्याकरण के अगले टॉपिक को उठा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा शब्दशक्ति। आपने इससे पहले जो पढ़े वे भाषा से संबंधित पढ़े कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा और भाषा में क्या अंतर होता है, लिपि क्या है, लिपि की विशेषताएं क्या है, व्याकरण क्या है, व्याकरण शास्त्र क्या है, व्याकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इससे संबंधित पिछले वीडियो के अंदर आपने जानकारी ली थी। आज हम शब्दशक्ति के बारे में जानकारी लेंगे। सामान्य तौर पर हम ये कहें कि किसी भी वर्ड को, शब्द को जो शक्ति प्रदान की जाती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जो शब्द है उसमें निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को, क्या कहा आपने कि किसी भी शब्द में निहित अर्थ, अर्थात तो जो शब्द है उस शब्द में जो उसका स्वयं का जो अपना एक अर्थ होता है, उस अर्थ को जो प्रकट किया जाता है उस को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। यह अर्थ जो प्रकट किया जाता है वह तीन तरह से प्रकट किया जाता है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक कहने वाला साधारण अर्थ, लक्षक की जो कहने वाला है उसका सामान्य गुण न प्रकट हो, जो सामान्य भाव है वो नहीं प्रकट हो करके और उसके लक्षण विशेष से संबंधित बात की जाती है तो वह लक्षक कहलाता है। और यदि उसकी कही हुई बात को सुनने वाला किसी अन्य अर्थ में प्रकट करे तो वह व्यंजक कहलाता है। आज हम उन्हीं वाचक, लक्षक और व्यंजक के बारे में जानकारी लेते हुए शब्दशक्ति, उसके भेद, उसके उपभेद, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहले हमारे जो सवाल पूछा जाता है उसी के अनुसार हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। सो देखिए, शब्दशक्ति आपने बताया अभी कि किसी भी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति ही शब्दशक्ति कहलाती है। क्या कहा आपने, किसी भी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति शब्दशक्ति कहलाती है। अभी आपने बताया कि किसी भी शब्द में निहित अर्थ, अर्थात उस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है यदि उसको प्रकट किया जाए तो उससे जो उसको शक्ति प्राप्त होगी वही शब्दशक्ति कहलाएगी। एक उदाहरण के माध्यम से हम ये कह सकते हैं, माना कि कोई हमारे पास वस्तु है, एक गेंद है, उस गेंद को आप कितनी शक्ति दे रहे हैं, यहाँ से जो आप उसको शक्ति प्रदान करेंगे, माना कि इसको आप पांव के द्वारा ठोकर मारते हैं या हाथ का धक्का लगा करके व्यक्त करते हैं या उंगली के माध्यम से उसको आगे खिसकाते हैं, जितनी शक्ति इसके अंदर लगाएंगे, जितना बल आप इसको प्रदान करेंगे उतनी ही ये गति करेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसके अंदर जो निहित अर्थ है उस अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति है
वो सब शक्ति कहलाती है। इसमें तो जो आपने उसको शक्ति प्रदान की उसके अनुसार क्रिया करेगा। और इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्ड में अपने अंदर जो निहित अर्थ होता है उसको प्रकट करना ही सब शक्ति कहलाता है। इसको प्रकट करने के लिए तीन भेद कर सकते हैं हम कि सब शक्ति को तीन भेदों में विभाजित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम इसी के डेफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं कि वृत्ति के आधार पर शब्द को जो शक्ति प्रदान की जाती है उसे सब शक्ति कहते हैं। वृत्ति के आधार पर शब्द को जो शक्ति प्रदान की जाती है उसे सब शक्ति कहते हैं, उसे शब्द शक्ति कहते हैं, उसे सब शक्ति कहते हैं। शक्ति के आधार पे ध्यान रखिए इसकी जो परिभाषाएं हैं बड़े ध्यान से समझने की है। सभी ये कहते हैं कि शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। भाई अभी आपने कहा कि शक्ति, तो शक्ति के आधार पे शब्द शक्ति के भेद होंगे। सभी ये कहते हैं कि शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं, पर यहाँ शब्द शक्ति के नहीं जो शक्ति प्रदान की जा रही है उस शक्ति के ही तीन भेद होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। क्या कहा आपने? शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के भेद आप क्या कह रहे थे कि शक्ति के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद किए जाते हैं। लिख सकते हैं आप कि शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर शब्द शक्ति, शब्द शक्ति के तीन भेद किए जाते हैं या तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपने क्या कहा? शक्ति के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला बताया आपने अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर वाचक शब्द होता है, इसमें वाचक, अभिधा शब्द शक्ति के अंदर वाचक होता है। इसके द्वारा वाच्यार्थ को प्रकट किया जाता है। वाच्यार्थ को प्रकट किया जाता है, या यह कह सकते हैं इस शब्द शक्ति में, इस शब्द शक्ति में साधारण अर्थ को प्रकट किया जाता है, साधारण अर्थ को प्रकट किया जाता है। हम यू कह सकते हैं कि इस शब्द शक्ति में जो आप कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, सामने वाला पाठक या श्रोता उस बात को या उस कार्य को वैसे के वैसे ही समझ रहा है, अपनी तरफ से उसमें कोई अन्य अर्थ नहीं लगा रहा है। जैसे मैं ये कहूँ कि मोहन खाना खा रहा है, महिपाल जी खाना खा रहे हैं, तो मैंने जैसा कहा वैसा ही अगले व्यक्ति ने अर्थ लगाया। जो वो सामान्य
अर्थ था। अगर इसमें गुणों को लिया जाता, माध्यम माना जाता, या फिर इसमें व्यंग कसा जाता, तो इसमें अन्य शब्द शक्ति होती। इस शब्द शक्ति के अंदर अर्थात अभेदा शब्द शक्ति के अंदर साधारण अर्थ को प्रकट किया जाता है। दूसरा होता है लक्षणा। हम बात करते हैं इसके उदाहरण और इसके भेद अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ सामान्य अर्थ बता देता हूँ तीनों का। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा में क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आपने साधारण अर्थ प्रकट किया या जो आपने सामान्य बात प्रकट की, उसी बात या उसी वाक्य के लिए जब व्यक्ति उसके गुण को महत्व दे, उसकी विशेषता को महत्व दे, तो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। या यूं कहें कि उसके लक्षण विशेष को इसमें प्रकट किया जाता है। इसमें लक्षक होता है और साधारण अर्थ के बजाय इसमें उसके गुण को प्रकट किया जाता है, लक्ष्यार्थ को प्रकट किया जाता है। लक्ष्यार्थ को इस सब शक्ति में प्रकट किया जाता है। साधारण अर्थ तो प्रकट होगा ही, लेकिन उससे कहीं हटकर उसके गुण को महत्व दिया जाता है। पहले साधारण अर्थ निकलेगा, वह दूर हट जाएगा, और फिर उसकी विशेषता जो है उसको महत्व दिया जाएगा, यानी कि गुण को महत्व, गुण को महत्व दिया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें व्यंजना की, इस लक्षणा के भी भेद उपभेद होते हैं। बात करें हम व्यंजना की, तो व्यंजना में क्या होता है कि वाचक और लक्षक, जो अभी आपने कहा वाचक कहने वाला जो व्यक्ति था जिसका अर्थ वैसे के वैसे आपने लगाया, लक्षक इसमें कहने वाले व्यक्ति का जो अर्थ था उसके गुण को महत्व आपने दिया। व्यंजक में क्या होता है, व्यंजक में इन दोनों से हट करके व्यंग्यार्थ को प्रकट किया जाता है। दोनों से हट करके व्यंग्यार्थ को प्रकट किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभिधा में साधारण अर्थ प्रकट किया जाता है, जबकि लक्षणा में गुण को महत्व दिया जाता है, और व्यंजना के अंदर व्यंग्यार्थ को प्रकट किया जाता है। व्यंग्यार्थ प्रकट करने से उसका जो अर्थ होता है वो कोई अन्य अर्थ ही निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं इसमें अन्य अर्थ को प्रकट किया जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति में अन्य अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो शब्द शक्ति आपने कही अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति में किस प्रकार से एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले अभिधा, शब्द शक्ति का पहला भेद है अभिधा। जब काव्य में साधारण अर्थ को प्रकट किया जाए, जब काव्य में साधारण अर्थ को प्रकट किया जाए, या यूं कहें कि कहने वाला जो व्यक्ति है उसके अर्थ को ज्यों का त्यों समझ लिया जाए, तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो
वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे राम जयपुर गया है, राम जयपुर गया है, अब आप हम इसका अर्थ लगाएंगे। राम जयपुर गया है, सुनने वाला किसी ने कहा कि राम जयपुर गया है, आपने मैंने या किसी अन्य व्यक्ति ने जब इसको सुना क्या अर्थ लगाया कि किसी व्यक्ति विशेष की बात को बताया जा रहा है कि कौन राम कहाँ गया जयपुर। आपने भी क्या अर्थ लगाया कि कोई व्यक्ति विशेष किसी स्थान विशेष पर गया है। इस प्रकार से दूसरा आप कह सकते हैं कि मोहन खेल रहा है। आप भी वही अर्थ लगाएंगे कि जैसा यहाँ कहा जा रहा है, साधारण अर्थ प्रकट हो रहा है, मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, पर कौन सा कार्य किया जा रहा है, खेलने का कार्य किया जा रहा है। आपने भी वही अर्थ लगाया कि मोहन खेल रहा है, अर्थात या न तो इसके किसी गुण विशेष को महत्व दिया गया, नहीं किसी प्रकार का कोई व्यंग कसा गया है, तो मोहन खेल रहा है। तीसरा, यदि हम बात करें तो यह कह सकते हैं कि गीता गाना गा रही है। आपने क्या अर्थ लगाया, मैंने कहा कि गीता गाना गा रही है, आपने इसका क्या अर्थ लगाया, गीता गाना गा रही है। इसका मतलब यह है कि जैसा आपने कहा, मैंने कहा वैसा ही अर्थ आपने लगाया, यही साधारण अर्थ कहलाता है। इस साधारण अर्थ के आधार पर ही इस शब्द शक्ति को हम अभिधा शब्द शक्ति, अभिधेय अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, साधारण अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, वाचक के आधार पर अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अनेकानेक इसके ऊपर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपको। सबसे पहले जब कोई एग्जाम्पल देता है, सवाल पूछता है, तो उसका अपने तरीके से अर्थ कीजिए। यदि उसका साधारण तरीके से अर्थ निकल रहा है तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। बोर्ड में कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि अभिधा के उस भेद को समझाइए। आप देखते हैं कि गाइडों वाले या जो भी पासबुक आदि होती है उनके अंदर इनके भेद उपभेद बहुत बड़ा चढ़ा बढ़ा करके दे दिया जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बोर्ड के द्वारा एक अंक का सवाल, या यूं कहिए कि दो अंक का सवाल दो जगह पूछा जाता है, या फिर एक सवाल कर देता है कि पंक्ति देख करके और फिर डेफिनेशन पूछता है, तो भी दो सवाल बन गए। और उसके ऊपर सिर्फ इतना पूछता है बोर्ड कि उपर्युक्त पंक्ति में या निम्न पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, पहचानते हुए परिभाषित कीजिए। कभी उसने ये नहीं कहा कि अभिधा का ये भेद लिखिए, लक्षणा का ये भेद लिखिए, या व्यंजना का ये भेद लिखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे आप अपना बोर्ड में समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी हम लोग इसे इसलिए पढ़ा देते हैं ताकि विद्यार्थियों के समझ में आ जाए। यदि एग्जाम की दृष्टि से आप समझना चाहते हैं तो आप इनके सबसे पहले अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को ही समझने की कोशिश करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने शब्द शक्ति के भेदों की जानकारी ली, उसकी परिभाषा की जानकारी ली। सबसे पहले भेद अभिधा के भेद को हमने यहाँ पढ़ा, जो आपके आता है जिस प्रकार का सवाल दिया है। कल हम इसके
अगले भेदों के बारे में जानकारी लेंगे। आपने इसको ठीक से समझा है। सभी विद्यार्थियों को बार बार धन्यवाद।